Hello friends, my name is Ayushi Jain. This is my third video on BCom first year financial accounting topic is royalty. Last class में मैंने आप लोगों को short working account, royalty account, minimum landlord account और analytical table बनानी सिखाई थी. आज मैं फिर से इसका revision कराने वाली हूँ आप लोगों को. इसमें question number 5th को try करते हैं हम लोग. Question number 5th हमारा क्या है? जनता mining company took a mine on lease for 8 years on 1st January 1996. Under this lease there is a payable royalty of ₹1 per ton. यानी कि क्या कहना चाह रहा है ये lease इस पे कितने सालों के लिए लिया है? इसने 8 साल के लिए लिया है. 1st January 1996 से इसकी स्टार्टिंग हुई है और इसमें रॉयल्टी का रेट कितना है? 1 per ton. इसमें हमें पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है. जैसे पॉइंट से कंप्यूट करते थे, इसमें रुपीज़ में दिया हुआ है इसलिए रुपीज़ के अकॉर्डिंग हम रॉयल्टी को कम्प्यूट कर देंगे. मिनिमम रेंट का रेट है 40,000 पर ईयर. 40,000 पूरे साल का मिनिमम रेंट आप लोगों को मैंशन किया हुआ है क्वेश्चन में. पेबल हाफ ईयरली, यानी कि हाफ ईयरली के हिसाब से दिया हुआ है. 30 जून एंड 31 दिसंबर, दो बार मिनिमम रेंट पे किया जा रहा है, 30 जून और 31 दिसंबर. यानी कि आप लोगों को ये आउटपुट भी कितने किसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है? 36 जून और दिसंबर, यानी कि एक साल में दो बार हाफ हाफ ईयरली के हाफ हाफ ईयर में 6-6 महीने में मिनिमम रेंट पे कर रहे हैं. और ये मिनिमम रेंट है पूरे पूरे साल का, पूरे साल का है 40,000. तो हाफ ईयर का कितना हो गया? 40,000. मिनिमम रेंट आप लोगों को पूरा दिया हुआ है 40,000 पूरे साल का, लेकिन हमें हाफ ईयरली रेंट निकालना है 6 महीने का. तो 40,000 डिवाइड बाय 2, क्योंकि हाफ 6 महीने का निकल जाएगा तो ये कितना अमाउंट आ गया? 20,000 का आपका मिनिमम रेंट का अमाउंट निकल के आ गया है. ठीक है, देन रिक्यूट करने के लिए क्या बोला हुआ है? शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी हाफ ईयर. हाफ ईयर इसलिए बोला है क्योंकि 6-6 महीने का दिया हुआ है. मे बी रिक्यूप्ड इन एनी ऑफ द 3 हाफ ईयर्स, यानी कि रिक्यूप करने के लिए बोला है 3 हाफ ईयर्स में इमीडिएटली. इमीडिएटली यानी कि पूरा एक हट्टा लगातार. फॉलोइंग इन विच द शॉर्ट वर्किंग अकर ड्यूरिंग द 1st 5 हाफ ईयर्स मिनरल्स वर वर्कड एज फॉलोज. ठीक है, इसमें 30/6 का 5,000 आउटपुट है, 31/12 का 6,000, 30/6 97, ये ईयर जरूर देखना. 96, 96, 97, 97, 26,000, 36,000, 24,000. में नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं इन द बुक्स ऑफ जनता माइनिंग कंपनी. जब नेसेसरी लेजर्स अकाउंट बोलता है क्वेश्चन में मैंशन हो जाता है नेसेसरी लेजर बनाओ, तो इस केस में आप लोग एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, रॉयल्टी अकाउंट बनाएंगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे, मतलब सारे अकाउंट बनाएंगे. शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट, मिनिमम रेंट अकाउंट, सारे अकाउंट. ठीक है, 4 अकाउंट बनेंगे और एनालिटिकल टेबल बन जाएगी. फर्स्टली हम लोग एनालिटिकल टेबल पे आ जाते हैं. ईयर दिया हुआ है, ईयर क्वेश्चन में मेंशन है, आप लोग लिख लेंगे. आउटपुट लिखा हुआ है क्वेश्चन में 5,000, 6,000, 26,000, 36,000 एंड 24,000. रॉयल्टी का रेट 1 है तो आउटपुट जो होगा वही रॉयल्टी आप लोगों की बन जाएगी, क्योंकि 1 रुपये के हिसाब से है. इस वजह से रॉयल्टी का रेट वही आ जाएगा जो आउटपुट का रेट है. मिनिमम रेंट मैंने भी आपको ऊपर बताया है किस तरीके से कंप्यूट करना है. 40,000 डिवाइड बाई 2, 20,000 हर साल का मिनिमम रेंट आप लोगों का सेम हो जाएगा. शॉर्ट वर्किंग आप लोगों को निकालनी आ गई है, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, दैट इज़ द शॉर्ट वर्किंग. आई होप आप लोगों को आता है शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस निकालना, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है. रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग. ठीक है, शॉर्ट वर्किंग सरप्लस आप लोग निकाल लेंगे. देन शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप करनी है. शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप करने के लिए इसने 1st 5 लास्ट तक रिक्यूप करने के लिए बोला है. 15,000 में से 6,000 रिक्यूप कर देंगे. ठीक है ना, 15,000 में से 6,000 रिक्यूप कर दिए तो कितने बच गए आपके पास अभी? 15,000 में से 6,000 रिक्यूब कर दिए. 9,000 की शॉर्ट वर्किंग अभी भी क्या है, बची हुई है आप लोगों के पास. तो 9,000 प्लस 14,000 और 14,000 कितने हो गए? 14,000 में 9,000 ऐड करेंगे. क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हमें अभी शॉर्ट वर्किंग को पूरा एडजस्ट करना है. तो कितने हो गए? 9,000 प्लस 14,000, दैट इज़ द 23,000. 6,000 हमारा रिक्यूब्ड हो चुका है तो इस अमाउंट को नहीं कंडक्ट करेंगे. लास्ट तक देखेंगे 23,000 में से 16,000 रिक्यूब्ड हो जाएंगे. 16 रिक्यूब्ड हो गए, कितने बचे? 7,000. ठीक, फिर 7,000 को भी हम 4,000 से एडजस्ट कर सकते हैं. क्यों एडजस्ट कर सकते हैं? क्योंकि लास्ट तक रिक्यूब करने के लिए बोला है. 7 में से 4 रिक्यूब्ड हो गए, 4 रिक्यूब्ड होने के बाद कितना अमाउंट बच गया? 3,000, वो अनरिक्यूब्ड में एडजस्ट कर दिया गया है. एक बार बता रही हूँ, फिर इसके लिए रिक्यूब करने का लास्ट तक रिक्यूब करना है. 15,000 के लिए नेक्स्ट ईयर 1, 2, 3, हाँ 16, ठीक है नेक्स्ट. लेकिन 15,000 में से केवल और केवल 6,000 ही रिक्यूब होंगे. कितने बच गए? 9,000 के अभी भी क्या है? शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग में. और ये 14,000 की भी शॉर्ट वर्किंग, 14 और 9 कितने हो गए? 23,000. हाँ जी सर,
कुछ समझ रहे हो? ठीक है सर, क्यों कर रहे हो? मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ। मैं लंच भी नहीं लाया। क्यों नहीं लाया सर? जो सब लोग कहें वो तो सर कुछ और कह रहे हैं ना। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। पाँच समोसे और तो कुछ खा लेंगे। अभी यहाँ पर बैठो। चलो आ रही हूँ सर, बस 10 मिनट में आ रही हूँ। वहीं कर लेना ना सर, वहाँ पे कोई फिर वो आ जाता है ना बीच में। बस 5 मिनट में। हाँ जी। स्टार्टिंग से बता रही हूँ। 15,000 के लिए आप 15,000 में से 6,000 रिक्यूब कर दिए। कितने बच्चे अभी? 9,000। 9,000 किसके बच्चे हैं? शॉर्ट वर्किंग के। इसको हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 9,000 + 14,000 दैट इज़ द 23,000। 23,000 के लिए नेक्स्ट 2 ईयर्स यहाँ तक एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 हाफ ईयर्स ठीक है यहाँ तक एडजस्ट कर सकते हैं। 6,000 हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो 23,000 को हम केवल और केवल 16,000 के सरप्लस से एडजस्ट कर सकते हैं। 16,000 एडजस्ट कर दिए। कितने बचे थे अभी भी? 9,000। लेकिन अभी यहाँ पर सरप्लस का अमाउंट बचा हुआ है। 9,000 में से 4,000 रिक्यूब कर देंगे। कितना बची है अमाउंट? 3,000 का। 3,000 की अभी भी क्या बची है? ये कमी। तो इस कमी को हम क्या कर देंगे? रिक्यूट में ट्रांसफर कर देंगे। अब सरप्लस का कोई भी अमाउंट नहीं बचा हुआ है जिसे एडजस्ट नहीं किया हो, इसलिए पीटीएल में जो भी अमाउंट लिखेंगे उसमें सरप्लस का कोई भी अमाउंट ऐड नहीं होगा। क्यों ऐड नहीं होगा? क्योंकि उस सरप्लस के सारे अमाउंट को शॉर्ट वर्किंग में रिक्यूब्ड कर चुके हैं। ठीक है, अब पीटीएल में कैसे है? पीटीएल में आप लोगों को जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, मिनिमम रेंट का अमाउंट ही आता है। केवल और केवल सरप्लस ऐड होकर लिखा जाता था, लेकिन ये सारा का सारा सरप्लस शॉर्ट वर्किंग में रिक्यूब हो चुका है, इसलिए सरप्लस का अमाउंट मिनिमम रेंट में ऐड नहीं होगा। तो ये मिनिमम रेंट का अमाउंट डायरेक्ट ट्रांसफर टू द पीटीएल अकाउंट। ठीक है, सारा एडजस्ट हो गया और अनरिक्यूबमेंट 3,000 लास्ट में आ गया है। ये टेबल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि लास्ट 2 क्लासेस में भी मैंने टेबल ही बनानी बताई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेवल अप हो गया है। लास्ट तक रिक्यूब करना सिखाया है, तो आप लोग जब थोड़ी से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ आने लगेगा। अब इसमें आता है रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट बनाने के लिए वही आपका सेम तरीका है। रॉयल्टी का अमाउंट आप लोगों को मेंशन करना है। रॉयल्टी का ये वाला जो अमाउंट है यही सेम आपको मेंशन करते चलना है, और ए टू साइड से स्टार्ट होगा। यहाँ पे ईयर मेंशन करने हैं, देन पर्टिकुलर, देन अमाउंट, ईयर, पर्टिकुलर अमाउंट। ये आप लोग हर बार लिख लेंगे, मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि एक बार मैं बता चुकी हूँ। 2 लैंडलॉर्ड यही वाला अमाउंट 5,000 बाई P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर 6,000 PTPL में P&L अकाउंट में ट्रांसफर। 2 लैंडलॉर्ड 26,000 P&L में ट्रांसफर। 2 लैंडलॉर्ड 36,000 P&L में ट्रांसफर। 2 लैंडलॉर्ड 24,000 P&L में ट्रांसफर। ये आपका रॉयल्टी अकाउंट ख़त्म। सिर्फ इसमें 2 से स्टार्ट करके बाय P&L में ख़त्म कर देंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट अकाउंट, दैट इज़ द लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड अकाउंट में आप लोगों को बताया था रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट लेते हैं एंड कैन एडजस्ट इट टू द PTL पेमेंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में क्या है 36 में सबसे फर्स्ट ईयर में क्या है आप लोगों को पता है? 15,000 की शॉर्ट वर्किंग, तो 15,000 की बाय रॉयल्टी आए शॉर्ट वर्किंग 15,000 और रॉयल्टी 5,000 की थी, तो 15 और 5 कितने हो गए? 20,000। 2 बैंक में 20,000, आप लोग चेक करिए 2 बैंक में कितना है। PTL में 20,000 है। ठीक है, सेकेंड ईयर में रॉयल्टी कितनी है? 6,000 की, और शॉर्ट वर्किंग है 14,000 की। 6 बाय रॉयल्टी 6,000 बाय शॉर्ट वर्किंग 14,000, तो 6,000 + 14,000 कितना आ गया? 20,000। टू ट्रांसफर्ड टू द बैंक अकाउंट 20,000, आप लोग चेक कर सकते हैं 2 बैंक में कितना है। PTL अमाउंट में 20,000 ही है। ठीक, नाउ कम टू द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में रॉयल्टी का रेट कितना है? रॉयल्टी है आप लोगों की 26,000 और शॉर्ट वर्किंग नहीं है। थर्ड ईयर में सरप्लस है 6,000 का, तो बाय रॉयल्टी 26,000 और शॉर्ट वर्किंग में सरप्लस का अमाउंट है, इसलिए 2 शॉर्ट वर्किंग आ गया 6,000 की। 26,000 - 6,000 दैट इज़ द 20,000 PTL अमाउंट में आपका कितना है थर्ड ईयर? 20,000। ठीक है, फोर्थ ईयर में रॉयल्टी का रेट कितना है? फॉर 36,000, और फोर्थ ईयर में शॉर्ट सरप्लस है, शॉर्ट वर्किंग नहीं है, 16,000 का सरप्लस है, तो बाय रॉयल्टी 36,000 और 2 शॉर्ट वर्किंग में 16,000। 36,000 - 16,000 क्योंकि एडजस्ट करेंगे दैट इज़ अ 20,000। PTL में भी कितना है? 20,000 PTL में है आप लोगों का 20,000। नाउ कम टू द नेक्स्ट ईयर। रॉयल्टी इज 24,000 एंड सरप्लाइज इज 4,000। ठीक है, और PTL में कितना अमाउंट है? 20,000।
ठीक, रॉयल्टी 24,000, शॉर्ट वर्किंग में 4,000। इधर शॉर्ट वर्किंग इसलिए लिखी है क्योंकि क्या था, सरप्लस था। टू बैंक में कितना बच गया, 20,000। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ललित माइनिंग कंपनी कमेंस्ड वर्क ऑन 1st January 1994 अपॉन लैंड लीज ज्वाइंट बाय द लैंडलॉर्ड। लीज प्रोवाइडेड फॉर द पेमेंट ऑन 31st January 1995 एट अ रॉयल्टी रेट इज क्या है, 10 per ton ऑन मिनरल्स रेज ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग कैलेंडर ईयर्स। रॉयल्टी पर सब्जेक्ट टू अ मिनिमम रेंट 20,000 पर एनम। वॉज द राइट टू रिक्यूब शॉर्ट वर्किंग एक्सटेंडिंग टू द पेमेंट 31st January 1998। आउटपुट कितना दिया हुआ है, 1,000 टन इन 94, 95, 96, 97 and 98। पाँचों साल का आउटपुट अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, कम टू द एनालिटिकल टेबल। 94, 95, 96, 97 and 98 फाइव ईयर्स दिए हुए हैं। इनका आउटपुट क्वेश्चन में मैंशन था। रॉयल्टी का रेट कितना दिया हुआ था, 10 per ton, यानी कि आउटपुट में 10 की मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, आपकी रॉयल्टी निकलेगी 1,000 × 10, 10,000, 17,500, 2,300 × 10, 2,300 × 10, 28,000, 4,000 × 10, 40,000। मिनिमम रेंट क्वेश्चन में मेंशन है 20,000, तो हम लोगों ने हर साल लिख दिया इसको 20,000 रुपये। शॉर्ट वर्किंग आप लोगों को अच्छे से निकालनी आती ही है। रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग। 10,000 − 20,000 = 10,000, 17,500 − 20,000 2,500, 23,000 − 20,000 3,000 का सरप्लस आ गया, 28 − 20 = 8, 40 − 20 = 20। तो ये सरप्लस निकल के आ गया। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब करने का अब क्या तरीका, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब करने के लिए उसने बोला था राइट वाज अ राइट टू रिक्यूब शॉर्ट वर्किंग एक्सटेंडिंग टू द पेमेंट हुआ 31st January 1998। ठीक है, रिक्यूब करने के लिए बोला हुआ है इसने। तो 10 यानी कि पूरा एडजस्ट कर सकते हैं हम, 10,000 में से नेक्स्ट टू ईयर्स 3,000 रिक्यूब कर सकते हैं। कितने बच गए, 7,000 बच गए, 7,000 को भी 8,000 से रिक्यूब कर सकते हैं। 7,000 + 2,500 = 9,500 को 8,000 में से एडजस्ट कर लिया, कितने बचे, 1,500 वो ट्रांसफर टू द अनरिक्यूब्ड अकाउंट। ठीक है, 1998 तक बोला था, 1990 टू रिक्यूब शॉर्ट वर्किंग एक्सटेंडिंग टू द पेमेंट यू ऑन 31st January 1998, यानी कि 30 रिक्यूब कर सकते हैं 31st January 1998 से पहले तक का। ठीक है ना, तो उससे पहले तक का कितना, कौन सा ईयर आता है, 1997, यानी कि हमें रिक्यूब करने का राइट कहाँ तक का है, सिर्फ और सिर्फ 8,000 तक का, यहाँ तक का। 10,000 में से 3,000 रिक्यूब करें तो कितने बच गए अभी आपके, 7,000, 7,000 में 2,500 ऐड करें, 9,500 में से 8,000 एडजस्ट कर दिए, 1,500 रुपये ट्रांसफर टू द अनरिक्यूब्ड अकाउंट। एक और तरीका, इजी, थोड़ा गलत तरीका है लेकिन शॉर्टकट मेथड, 10,000 + 2,500 दैट इज़ द 12,500 माइनस दिस अमाउंट, 8, 9, 10, 11, 11,000, 12,500 में से 11,000 लेस कर देंगे, कितना बच गया, 1,500, ये ट्रांसफर हो जाएगा अनरिक्यूब अकाउंट में। ठीक है ना, फिर उसके बाद पीटीएल में आपको पता ही है जो अमाउंट सरप्लस का लिखा जा चुका है या एडजस्ट हो चुका है, ये वाला और ये वाला, तो ये तो एडजस्ट होके यहाँ पे लिखा हुआ नहीं जाएगा, यहाँ पे तो केवल और केवल मिनिमम रेंट का अमाउंट डायरेक्ट एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। लेकिन ये जो लास्ट ईयर है 98, ये सरप्लस का अमाउंट तो यहाँ पे रिक्यूब नहीं हुआ है, तो ये मिनिमम रेंट का, मिनिमम रेंट में ऐड हो जाएगा सरप्लस का अमाउंट एंड देन ट्रांसफर टू द पीटीएल अकाउंट। तो दैट इज़ द 40,000, दैट इज़ अ कंप्लीट एनालिटिकल टेबल। आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। ओके, नाउ कम टू द अकाउंट दैट इज़ अ लैंडलॉर्ड अकाउंट। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं ऑलरेडी, लैंडलॉर्ड अकाउंट आपको बनाना आ गया है। लैंडलॉर्ड अकाउंट की स्टार्टिंग किससे करते हैं, बाय साई, बाय रॉयल्टी से। रॉयल्टी कितनी है, 10,000, बाय रॉयल्टी 10,000, शॉर्ट वर्किंग कितनी है, 10,000, 10 + 10 = 20, देखो ये रहा 20,000 बैंक में, यानी कि क्वेश्चन सही जा रहा है। फिर 1995 में रॉयल्टी है 17,500 और 2,500 की शॉर्ट वर्किंग, 17,500 / 2,500 कितना हो गया, 20,000, देन इट ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट 20,000। हीरा पीटीएल में कितना है, 20,000 रुपये। ठीक, थर्ड ईयर में रॉयल्टी है 23,000 और सरप्लस है 3,000, रॉयल्टी 23,000 सरप्लस है, सरप्लस यानी कि टू साइड में आ जाएगा 3,000 रुपये, 23 में से 3 एडजस्ट करें कितने बचे, 20,000, यानी कि कितने हो गए कंप्लीट, 23,000। यहाँ पे चेक करो बैंक में कितना है, 20,000, और यहाँ पे भी 20,000। ठीक, फोर्थ ईयर में रॉयल्टी का रेट कितना है, 28,000, और यहाँ पे क्या है, रॉयल्टी का रेट 28,000, लेकिन शॉर्ट वर्किंग सरप्लस है कितने का, 8,000 का, तो टू शॉर्ट वर्किंग 8,000, बैंक में 20,000, चेक इट 20,000। फिफ्थ ईयर में कितना है रॉयल्टी, 40,000 और सरप्लस है 20,000,
तो आप बाय रॉयल्टी 40,000 और 2 सरप्लस है ना, तो 2 सरप्लस मेंशन कर देंगे नीचे, 2 सरप्लस कितना है 20,000, ठीक है। तो कितना बच जाएगा बैंक में 20,000, तो 20 और 20 40,000, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी रिगार्डिंग दीज प्रॉब्लम्स, इसमें आप लोगों को इस क्वेश्चन में आपको शॉर्ट वर्किंग अकाउंट भी बनाना है, वो आप लोग बना लीजिएगा, और रॉयल्टी अकाउंट भी, क्योंकि बहुत बार बता चुकी हूँ, रॉयल्टी अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट भी बना लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग प्लीज़ अपना कमेंट कर सकते हैं, इनबॉक्स में टेक्स्ट करके मैसेज कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आपकी जनरेट हो रही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।